सनातन बंधु, दीपावली और होली यह दो ऐसे प्रमुख पर्व हैं जिनमें भगवती महालक्ष्मी की प्रसन्नता अनुकूलता के लिए नाना प्रकार के उपाय किए जाते हैं। तमाम सनातनी भाई बहन इस दिन विभिन्न मंत्रों की सिद्धि करते हैं। अब की बात होली महापर्व पर लग रहा चंद्र ग्रहण, इस महापर्व की विशेषता में चार चांद लगा रहा है। 100 वर्षों के बाद पूर्णिमा तिथि को चंद्र ग्रहण का संयोग, पूर्णिमा तिथि जो भगवती लक्ष्मी को विशेष प्रिय तिथि है, इसलिए अब की बार के होलिका दहन पर इसका भरपूर लाभ आपको प्राप्त हो। भगवती महालक्ष्मी की अनुकूलता आश्रय आपको प्राप्त हो। आपको चाहिए कि होलिका दहन के दिन अर्थ की समस्या से जूझ रहे हो अगर तो सूखा नारियल का गोला लें, उसे ऊपर वाला भाग काट दें, उसमें मिश्री और घी भरकर उस नारियल को ढक दें और भगवती महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए होलिका दहन में इसको अर्पित कर दें, अपने घर चले आए। दूसरा उपाय, पान के 7 पत्ते लें। पान के पत्तों पर शहद का लेपन लगाकर उस पर 1 इलायची और 2 लौंग रखकर 1 परिक्रमा करें और वह पान का पत्ता, लौंग, इलायची, शहद उसमें डाल दें। इस प्रकार आपको 7 परिक्रमा करते हुए 7ों पान के पत्ते होलिका में डाल देते हैं। भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना करें, तत्पश्चात अपने घर आए और घर में प्रवेश करने से पूर्व ही घर के मुख्य दरवाजे के दोनों छोर पर तिल के तेल का दीपक जला दें, क्योंकि आपने वहां पान का पत्ता होलिका में अर्पित कर भगवती लक्ष्मी का आमंत्रण किया है और यह मान्यता है कि याचक के साथ साथ ही लक्ष्मी घर की ओर प्रस्थान करती है, इसलिए घर में प्रवेश से पहले घर के दोनों तरफ साफ दीपक में तिल के तेल का दीपक जलाएं और यह भाव रखें कि माँ आपके साथ साथ आपके घर में प्रवेश कर रही है। यह एक ऐसा उपाय है जो आपको वर्ष भर येन केन प्रकारण अर्थ की प्राप्ति कराएगा। भगवती लक्ष्मी के लिए पूर्णिमा तिथि में ही खीर का भोग लगाया जाता है, इसलिए बासमती के चावल, पंचमेवा की खीर बनाएं, भगवती को भोग लगाएं, आधा किसी कन्या को देते और आधा जो बचे उसे पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में बांट दे, भगवती की लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। मंत्र जप करना चाहे तो ग्रहण काल के समय घी का 1 दीपक जलाएं, कोई चित्र कोई यंत्र न रखें, खाली भगवती का ध्यान करें और श्री सूक्त का अथवा कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें और अगर न कर सकें तो भगवती लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप करें, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे और यह होली आपके मनोरथों को सिद्ध करने वाली होगी। आपका तो मंगल होगा ही होगा, आपके परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य का आगमन भी होगा। जय श्री राम।